नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। दोस्तों, आप एक क्रिएटर हो तो आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है। आप जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो तो कई कई बार ऐसा होता है कि आपके कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कॉपीराइट क्लेम की। तो दोस्तों, कभी कभी आप वीडियो अपलोड करते हो कोई, तो होता है क्या कि आपके जो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, यूट्यूब स्टूडियो पर कॉपीराइट क्लेम शो कर जाता है वीडियो के नीचे। तो आपको कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है, क्या कारण होता है, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जब यूट्यूब पर से किसी का वीडियो उठा करके या फिर आप जो अपनी वीडियो होती है उसमें किसी का म्यूजिक लगा के अगर आप वीडियो अपलोड करते हो, तो जो उस जिस बंदे का आपने वो म्यूजिक उठाया है उससे आपकी कंटेंट आईडी मैच हो जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा आपको दे देता है कॉपीराइट क्लेम। और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के अप्लाई करते हो और जब आपके उस चैनल पर एड वगैरह आने लगते हैं, तो उस वीडियो से जिस पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है उसकी कमाई जाएगी किसी दूसरे के पास जिसका वो म्यूजिक है। तो आप जहाँ तक हो सके अपनी रियल कंटेंट बनाएं या फिर प्रीमियम के थ्रू वीडियो बनाएं, ना कि आप कॉपीराइट क्लेम लेकर के वीडियो बनाएं। एक दो कॉपीराइट क्लेम से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपके हर वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आएगा तो हो सकता है आपकी वीडियोज़ में इफेक्ट आ जाए, आपका जो यूट्यूब चैनल है हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप अगली वीडियो में कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब देख लिए, धन्यवाद।